हरियाणा के जिला करनाल के घरोंडा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि किसानों के इस आंदोलन को सातवें दिन नारी शक्ति ने भी अपना समर्थन दिया था। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के चलते दसवें दिन भी प्लाजा पर वाहन टोल फ्री ही चले। आज किसानों के आंदोलन में घरोंडा टोल प्लाजा पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पहुंचकर किसानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन में करीब 50 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू भी नहीं रेंगी है। किसानों के लिए ये आंदोलन अब धर्म युद्ध बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने लोगों से अडानी, अंबानी एवं बाबा रामदेव के उत्पादों का बहिष्कार करने की मांग भी की है। उन्होंने किसानों को किसी भी प्रकार का उपद्रव न करने की हिदायत देते हुए आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने को कहा है। किसानों का कहना है कि यदि सरकार ना मानी तो 26 जनवरी को लाल किले पर किसान झंडा लहराएंगे। वहीं घरोंडा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी किसानों का धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल जारी है। ठंड व बरसात के मौसम में भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट किया है। यहां आपको बता दें कि आंदोलन के सातवें दिन 5 महिलाओं ने भूख हड़ताल की। वहीं आंदोलन के चलते दसवें दिन भी टोल फ्री वाहन चले। किसानों ने बूंदाबांदी होते ही अपनी स्टेज टोल बैरियर के नीचे बना ली। महिला सोनिया तंवर, एडवोकेट पुष्पा मीनू मुंजाल, सरोज शर्मा, राजेश्वरी रंधावा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और हरियाणवी कलाकार ने देशभक्ति रागनी के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। वहीं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पिछले 10 दिनों से आंदोलनरत किसानों को हौसला देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मामले को आगे से टालती जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभिन्न गवर्नर हाउस के सामने धरना, ट्रैक्टर ट्रॉली रैली, विरोध प्रदर्शन सहित अन्य तरीकों से अपनी बात रखी जाएगी। उन्होंने किसानों की इस लड़ाई को धर्म युद्ध करार दिया व लोगों से अडानी, अंबानी एवं बाबा रामदेव के उत्पादों का बहिष्कार करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अजय राणा ने कहा कि किसानों से बातचीत में यदि सरकार जल्दी निर्णय ले लेती है तो वह भी सम्मान पूर्वक अपने घरों को निकल जाएंगे, अन्यथा वह गोली खाने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ना मानी तो इस बार 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा किसान लहराएंगे। धरने पर ग्रामीण महिला किसान भी बैठी और उन्होंने भी कुछ किसानों के साथ भूख हड़ताल की। वो भी इसलिए मीटिंग करते हैं कि देसी है ना कि हमने मीटिंग बुलाए नहीं, हम भी इसलिए मीटिंग करते हैं कि देसी है ना कि हम गए नहीं, और लेकिन उनकी जो नीयत है वो कुछ मानने की नहीं है। अगली मीटिंग में भी कुछ नहीं निकलना है, पिछली में भी कुछ नहीं निकलना, उसकी पिछली में भी कुछ नहीं निकला है। उनकी नीयत जो है वो भी साफ नहीं है, वो देखो और इंतजार करो की नीति पे चल रही है। 26 को ट्रैक्टर रैली है, 6 को भी ट्रैक्टर रैली है और 23 तारीख को गवर्नरों के वहाँ धरना है सभी जगह पे, तो ये बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम है और 6 तारीख से क्या अभी जो 20 तक जो है एक जागृति अभियान है, उसमें जो है अलग अलग जगह रैलियाँ, अलग जगह प्रदर्शन होती है। अगला कदम ये होगा कि मेन कदम तो हमारा ये होगा कि 26 तक ना परेड हम करेंगे वहाँ। आज तक हमारे फौजी भाई कर दिया है, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे चाचे ताऊ, इनका परेड किसान करेगा राजमार्ग पर। ट्रैक्टर ट्रैली दोबारा देश का 70% हिस्सा किसानों का है, कितने मरेंगे, शहीद होंगे, हो जाएंगे, हम इन शहीदों के हर साल याद में मेले लगाए करेंगे। हमारी आने वाली नस्लें जैसे भगत सिंह को हम आज पूछते हैं, उनके जन्म दिवस पर हम, मरण दिवस पर हम मेले लगाते हैं, इसी तरह इन किसानों के जन्म दिवस पर, मरण दिवस पर ऐसे मेले लगाएंगे। गांव से मात्र शक्तियों ने हिस्सा लिया है और स्टेज पे भी मात्र शक्ति बैठी है, ये कोई आम बात तो नहीं रही। जब एक इतने बड़े आंदोलन में जब हमारी महिलाएं हमारे साथ आकर खड़ी हो गई हैं, फिर तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आर पार होगा, जो होगा देखा जाओगा। इब तो मोदी ने सोचना पड़ेगा, अगर गोली मारा है कानून रद्द करें, उठेंगे तो गोली लग उठेंगे, ऊँ तो उठते नहीं। बाकायदा संविधान को सम्मान देते हुए हम वहाँ से परेड निकाल लेंगे, हम असामाजिक काम नहीं करेंगे, असंवैधानिक काम नहीं करेंगे, शांति के साथ जैसे आज तक हम करते रहे हैं, बाकायदा वहाँ परेड निकाल लेंगे और अपनी बात 26 जनवरी के दिन
पूरी दुनिया टीवी देखती है, हिंदुस्तान की परेड देखती है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी झंडा लहराते हैं। तो हम उनके माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के देशों को आके बीच में हमारी बात रखनी चाहिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई गलत मांग नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं। जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कानून बनाया कर ठोप पे गए हैं, हम ये मंजूर नहीं है। और मैं इंग्लिश, मुझे पता लग गया है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी शायद उस दिन आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे भी विनती है मेरी कि आप आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आप मेहमान हो हमारे। लेकिन इस बारे में मोदी जी से चर्चा ज़रूर करें और उनसे बोले कि 26 जनवरी से पहले हमारे अधिकार में देकर हमारे हमको घर लौटाएं, ताकि हम सब मिलकर आपका अच्छी तरह स्वागत कर सकें। तो मोदी जी नहीं मान रहे हैं ना, उनको मनवाने के लिए आए हैं यहाँ पे, अपने दल बल के साथ आए हैं, पूरे गांव के साथ, पूरे जो युवा है ना हमारे साथ है। मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है सरकार की, अगर नहीं मानेंगे तो सरकार को फिर दूसरी तरह भी मनाने के लिए खड़े हैं। आगामी नीति यही है कि जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेके दिल्ली को कुछ करने की तैयारी है, और 26 जनवरी पे है ना झंडा फहराने की तैयारी है। मोदी जी अपने देश को बेच चुके हैं, अडानी अंबानी को बेच चुके हैं, इन्होंने हरियाणा पंजाब तो बिल्कुल ही बेच दिया है कि यहाँ से तुम पैसे इकट्ठा करो, ठीक है। अब उनको है ना बेइज्जती महसूस हो रही है, अब वहाँ पे कैसे बोलेंगे, अब ये देश वापस करो। बिहार और यूपी में क्या कारण है, ये जो 800-800 रुपये क्विंटल धान पिट रहा है, ये क्या कारण है? वहाँ बहुत पहले हो चुका है, बिहार में वहाँ के जो जिम्मेदार है ना, यहाँ अपने यहाँ हाजिरी क्यों लगाना आंदे हुए हैं? वहाँ क्या कारण है भाई जी? MSP पे है ना बिहार में, एक दाना भी नहीं लिया गया MSP पे। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, अब तो सरकार को झुक जाना चाहिए। इतने किसान शहीद हो गए हैं जो बेकसूर थे, हैं, जो नौजवान थे। कल भी एक लड़का शहीद हुआ, 18 साल का था। वो कहाँ आएंगे अब? उन्होंने तो अपना मलाई चाट का अपना भीतर बिल में पड़ रहे, जब मलाई चाटने का टाइम आएगा फिर बाहर आ जाएंगे। आप थोड़ी वो किसान की नहीं सुन रहे, अब किसान की सुनेंगे जब आएंगे, उनको गांव से बाहर धक्के मार मार के निकालेंगे। जाओ भाई, हमने झूठ नहीं है थारी, हमने झूठ नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.